अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रूमा खान। आज मैं आप लोगों के लिए प्रोटीन मिक्स लड्डू बनाने की रेसिपी लेकर आई। बहुत ही हेल्दी लड्डू बनके तैयार होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कुकिंग विद रूमा खान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ कप काजू बादाम लिए और यहाँ पर ये शीट है मिक्स जो आती है, प्रोटीन मिक्स रहता है 5 in 1, यानी 5 मिक्स हैं। इसमें पम्पकिन सीड भी है, सनफ्लावर सीड भी है, और उसमें अलसी होती वो भी है, और जो बारीक आता है वो चमचू जैसा वो भी है। यानी 5 किस्म के बीज इसमें मिक्स हैं, जो कि बहुत ही हमारी बॉडी के लिए, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यहाँ पे एक पैन लिया मैंने और उसमें 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर देंगे। फिर इसमें इन चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ताकि इसका कलर एकदम ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, हल्का लाइट कलर का हो, बस इतना ही। अब इसे हम कम से कम 2 से 3 मिनट जो भी लगेगा, फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, मीडियम टू लो, और उसे अच्छे से भूनेंगे। मीडियम टू लो पे ही भूनेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे। हाई फ्लेम पे क्या होगा, ऊपर से जल जाएंगे। लो फ्लेम पे भूनने से बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है। कम से कम 3 से 4 मिनट लगा मुझे इसे भुनने में। ये भुन गई है, अब इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसे साइड में निकाल के रख लेंगे। फिर उसके बाद उसी पैन को साफ़ करके मैंने ले लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून फिर से मैंने देसी घी ऐड किया है। आप इसे देसी घी में ही बनाए, लड्डू ज़्यादा अच्छे बनेंगे। फिर यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, मतलब खोपरा है, सूखा खोपरा है, इसे मैंने घर में कद्दूकस कर लिया है। आप इसमें काट के भी डाल सकते हैं। अब इसे भी हमें भून लेना है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है, 1 कप लिया है बस। अब इसे भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना है। लो फ्लेम पे भूनेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक की थोड़ा टाइम लग जाता है। इसमें भी 3 से 4 मिनट इसे भी भून के निकाल लेंगे, बस इतना ही कलर, और ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। फिर उसी पैन में मैं 1 टेबल स्पून फिर से घी ऐड कर दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने खजूरें ली हैं, जिसे साफ़ करके धो के रख लिया था। बीज निकाल लेंगे उसे और फिर इसमें डाल देंगे। अब हमें इसे मेल्ट कर लेना है। आप मिक्सी के जार में भी घुमा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाती हैं अगर आप इसे गरम, थोड़ा सा लो फ्लेम पे थोड़ी देर खाली सॉटे करेंगे तो बस मिक्स हो जाता है। इसलिए हमें पीसने और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें घी के साथ इसे थोड़ी देर भूनेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मेल्ट होता है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा ऊपर की बीज रहती है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो पे ही रखेंगे ताकि ये जले नहीं। ये देख सकते हैं आप, एकदम ये मेल्ट हो गया है पूरा। फ्लेम को एकदम लो पे कर देंगे। अब इसमें हमने जो मिक्स पहले से फ्राई करके रखे ड्राई फ्रूट और वो शीट वगैरह हमारी जो है सब, वो ऐड कर देंगे और इसमें खोपरा ऐड कर देंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के डाल सकते हैं, अखरोट है, पिस्ता है, और भी चीज़ें, किशमिश वगैरह जैसा भी चाहें, लेकिन हम प्रोटीन मिक्स लड्डू बना रहे हैं इसलिए ज़्यादा ड्राई फ्रूट हमने ऐड नहीं किए इसमें, 2 से 3 ही ऐड किया है बस। अब बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एकदम ठंडा होने पे लड्डू नहीं बनेंगे। जब हल्के गर्म रहे जब ही हमें इसे लड्डू बांध लेना है। चम्मच को साफ़ कर लेंगे। मैंने थोड़ी देर ही रखा है, 1-2 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था ऐसे ही। अब इसे हटा देंगे चम्मच को और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अभी थोड़ा सा गर्म है, इसलिए गर्म गर्म में ही हमें लड्डू बांधना है। ये देख सकते हैं, अगर आपके हाथों में थोड़ा चिपक रहा हो तो आप घी लगा सकते हैं हाथों में, वरना ये मिक्सर में घी ऑलरेडी है तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए कितनी आसानी से लड्डू बन जाते हैं। थोड़ा गर्म में बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा।
एक लड्डू और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए दूसरा लड्डू भी हमारा बन गया है एकदम आसानी से। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे लड्डू बना के रख लूँगी। अब सारे लड्डू मेरे बन के रेडी हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। यह हमारे कमर दर्द, घुटनों, जोड़ों के दर्द, हर चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।